सर्दियों का मौसम था और ऊपर से भयानक कड़कड़ाती ठंड में हल्की बारिश भी अपना कहर ढा रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में बेचारा रमेश उर्फ रामू अपना गुजारा चलाने के लिए सड़क के किनारे पर बने फुटपाथ पर रुई धुनकने और रजाई बनाने का छोटा सा व्यवसाय करता था। रामू के पास जमीन पर बैठने के नाम पर सिर्फ 2 बोरे थे। वो बेचारा इसी को बिछाकर अपना काम करता रहता था। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे निर्मला, रोटियां बांध दो, दुकान के लिए निकल रहा हूँ और आज अपने साथ गुड़िया को ना ले जा सकूंगा। सुनिए जी, आज आप मत जाओ, आज बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है। ये कैसी बात कर रही हो, अगर नहीं जाऊंगा तो शाम के खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? हाँ, ये तो सही कहा आपने, लेकिन मेरी आंखें और शरीर कमजोर हो चले हैं। 5 साल की बच्ची का ध्यान मुझसे नहीं रखा जाएगा। भगवान ने हम दोनों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है निर्मला। मासूम बच्ची हमारे माथे छोड़कर भगवान ने इस प्यारी बच्ची के माता पिता को अपने पास बुला लिया। हाँ जी, उस मनहूस दिन को कैसे भूल सकते हैं, जब गीली सड़क पर गाड़ी फिसल जाने से मेरा बेटा और बहू ट्रक की चपेट में आकर मारे गए थे। इतना बोलकर बेचारी निर्मला की आंखों में आंसू आ गए और रामू की आंखें भी आंसू से भीग गई। रो मत निर्मला, सब भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते थे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चलो ठीक है, गुड़िया को मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। कुछ देर बाद रामू फुटपाथ पर रुई की कुछ 2 बोरियां, रजाई के खोल और 2-4 तैयार रजाई और धुनकने वाली लकड़ी लिए बैठा था। रामू के पास बस यही जमा पूंजी थी। उसकी पोती गुड़िया खेलते खेलते सो चुकी थी। हे भगवान, शाम होने को आई, कोई काम नहीं आया, ना ही रजाई बिकी है, गुड़िया भी भूखी है, खाना कहाँ से लाऊंगा। तभी एक ग्राहक रामू के पास आ गया। अरे चाचा, ये रजाई कितने की बेच रहे हो? बेटा, ये रजाई मात्र 250 रुपए की है। बहुत महंगी है चाचा, 125 रुपए की लगाओ। नहीं बेटा, 100 रुपए की तो लागत आई है, 200 लग जाएगा, इस बहाने मेरी कुछ बहनी भी हो जाएगी। अच्छा 150 दूंगा, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं, देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। ग्राहक अपने दाम बोलकर आगे बढ़ गया। रामू सोच में पड़ गया, उसके घर में आटा भी खत्म हो गया है, अगर ये ग्राहक भी चला गया तो आज सबको भूखा सोना पड़ेगा, क्या पता दूसरा ग्राहक आए ना आए। अरे भैया सुनो, ले जाओ, बहनी करा दो, लाओ 150 रुपए ही दे दो। ये लो 150 रुपए और वो वाली बांध दो। भगवान की कृपा हो गई, चलो बहनी तो हो गई, अब शाम को निर्मला को आटे के लिए पैसे भी दे दूंगा और गुड़िया के लिए एक सस्ता स्वेटर भी खरीद लूंगा। रामू ने गुड़िया को गोद में उठा लिया और सामने एक छोटी सी कपड़े की दुकान पर पहुंच गया। तभी उसने देखा कि दुकान में कोई खड़ा हुआ था। रामू उस लड़के को पहचानता था। रामू तेज कदमों से अपनी दुकान पर पहुंच गया। हाँ बेटा बोलो, क्या लेना है आपको? अबे वो बुड्ढे, तू मेरी दुकान के सामने दुकान लगाकर दाम गिराकर माल बेच रहा है, कल से मुझे तेरी दुकान दिखनी नहीं चाहिए, समझा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारी इतनी बड़ी रजाई की दुकान को मेरी दुकान की बिक्री से क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा रोज का हजारों लाखों का धंधा है, मेरी तो कई बार बहनी तक नहीं होती। मुझे तेरी दलीलें नहीं चाहिए, तेरी दुकान कल से दिखनी नहीं चाहिए, दोबारा नहीं कहूंगा। बेटा बड़ी मुश्किल से ये जगह तलाशी है, मैं जगह के लिए कहाँ भटकूंगा, दुकान नहीं लगाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता, दुकान नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। सोनू रामू को धमकी देकर वहां से चला गया। सोनू एक बिगड़ैल अमीरजादा था। शाम हो जाने पर रामू अपनी दुकान समेट कर ठेले पर रखता है और गुड़िया को लेकर घर की ओर रवाना हो गया। क्या हुआ जी, आज परेशान लग रहे हो, इतने खामोश क्यों हो? कुछ नहीं निर्मला, अपनी दुकान के पीछे रजाई का बड़ा व्यापारी है सोनू, आज वहाँ दुकान लगाने से मना कर रहा था, बड़ा खुदगर्ज किस्म का लड़का है और बदतमीज भी। इतनी बड़ी दुकान का मालिक है और इतनी छोटी सी दुकान से दिक्कत हो रही है कमबख्त को, भगवान की मार पड़ेगी उस पर। अरे कोसती क्यों हो, जवान लड़का है, जितनी अकल उतनी बातें कर रहा था, जाने भी दो। दूसरे दिन बेचारा रामू फिर वहीं अपनी दुकान सजा लेता है। सोनू दूर से ही देखकर आग बबूला हो जाता है। ये बुड्ढा ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे सबक सिखाना ही होगा, ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा कि कभी दुकान लगाने के लायक ही नहीं बचेगा। दादू मुझे भूख लगी है। मेरी प्यारी बिटिया को भूख लगी है, चल अभी कहीं से कुछ खाने को लेकर आते हैं। जैसे ही रामू गुड़िया को लेकर सड़क पार करके कुछ खाने को लेने गया,
सोनू फौरन पीछे से आकर उसने रुई की बोरी को गिरा दिया और उसमें माचिस तीली डालकर फरार हो गया। अरे चाचा देखो तुम्हारी दुकान में आग लगी है। क्या? अरे नहीं, हे भगवान ये क्या हो गया? आग कैसे लग गई? मैं बर्बाद हो गया, कोई आग बुझाओ। जब तक रामू अपनी दुकान पर पहुंचा, देखते ही देखते सारी दुकान धू धू करके जल उठी। उसकी पूरी दुकान और ठेला जलकर राख हो चुके थे। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया। रामू सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और काफी देर तक रोता रहा और फिर भारी कदमों से गुड़िया को गोद में उठाए पैदल ही घर की ओर बढ़ गया। सोनू को रामू की दुकान पर आग लगाते हुए सोनू के पड़ोसी दुकानदार दीपचंद ने अपनी आंखों से देख लिया था। उसने सोनू से कहा, सोनू तुमने बहुत गलत काम किया है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्या तुम्हें भगवान का जरा भी डर नहीं? बड़ा पाप किया है तुमने। अरे छोड़ो, मैंने उसे कल दुकान लगाने से मना किया था पर वो नहीं माना, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी दुकान फूंक डाली। दीपचंद जी ने सोनू के गालों पर तमाचा चढ़ दिया। आज आप जल्दी लौट आए? सब खत्म हो गया निर्मला, आने जाने का सिलसिला भी नहीं रहेगा, अब सारी दुकान जलकर राख हो गई है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप, कैसे हो गया ये? ना जाने कितने और इम्तिहान बचे हैं, इस बुढ़ापे में तो अब मजदूरी भी नहीं की जाएगी, लगता है भाके में दिन काटने पड़ेंगे अब तो। इससे अच्छा तो भगवान हम सबको एक साथ उठा लेता, अब गुड़िया का क्या होगा, मैं इसे भूख से मरते नहीं देख सकती। तभी रामू और निर्मला के कानों में किसी की आवाज टकराती है। रामू ने देखा सामने दीपचंद खड़ा था। कोई भी भूख से नहीं मरेगा, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। आप कौन हो बेटा, माफ करना हमने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते, मैं दीपचंद हूँ, रमेश जी की दुकान के सामने ही मेरी दुकान भी है, आज मैंने दुकान जलते हुए देखी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। इसमें किसी की क्या गलती बेटा, जो भगवान की मर्जी थी वो हो गया। चाचा मैंने आपकी कारीगरी देखी है, मैं चाहता हूँ आप मेरी दुकान में काम करें, मैं आपको 200 रुपए प्रतिदिन दूंगा और ये रहे 2000 रुपए एडवांस, अपने घर की मरम्मत करवा लीजिए और राशन वगैरह भर लीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी सेठ जी, पर आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? चाचा जी मेरे पिताजी भी ठीक आपकी तरह फुटपाथ पर दुकान लगाया करते थे, तब मैं छोटा था और उनके साथ रहता था, आपकी दुकान मेरे पड़ोसी सोनू की वजह से जली है, जिसकी सजा मैं उसे दे चुका हूँ, मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान ने हमारी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। दीपचंद ने पैसे रामू के हाथ में रख दिए और उनसे विदा लेकर निकल गया। उस साल ठंड इतनी ज्यादा पड़ी थी कि स्वर्ग के लोग भी ठंड के मारे सिकुड़ गए थे। यमलोक में यमराज चद्दर ओढ़कर बैठे हुए थे। चित्रगुप्त कितनी ठंड है आज, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं पड़ी है? हाँ यमराज, ठंड के मारे बोलती बंद हो रही है। लेकिन क्या करे, काम तो करते रहना होगा, किसी को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। धरती पर भी ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही था, इतनी ठंड में खासकर बूढ़े लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में मदनलाल ठंड के मारे पूरी तरीके से काबू हो गया था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मदनलाल कमरे के अंदर कंबल ओढ़कर सो रहा था। मदनलाल अपाहिज है, उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए वो आसानी से उठकर कहीं जा नहीं सकता, इसीलिए उसने सोए हुए ही अपने बेटे को बुलाया। बेटा बेटा एक बार इधर आना। उस वक्त उसका बेटा रमेश आया। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? रमेश ने मदनलाल के शरीर पर हाथ रखकर चेक किया तो देखा मदनलाल को बुखार है। ये क्या, आपको तो तेज बुखार है, रुकिए मैं अभी दवाई लाता हूँ। नहीं बेटा उसकी जरूरत नहीं है, इतनी रात को बाहर मत जा, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं पिताजी मैं अभी आता हूँ। रमेश की एक 5 साल की बेटी है, उसका नाम गुड्डी है, उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी। गुड्डी अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है, उसने कहा, हाँ पापा आप जाइए, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगी। रमेश दवाई खरीदने चला गया और गुड्डी अपने दादाजी का सर दबाने लगी, लेकिन बाहर रमेश के साथ एक हादसा हो गया। रमेश दवाई की दुकान में जाने के लिए रास्ता पार कर रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए रमेश को कुछ नहीं दिखा और एक गाड़ी ने आकर उसे धक्का मार दिया, रमेश का देहांत हो गया। ये बात जब मदनलाल और गुड्डी को पता चली तब वो दोनों बहुत रोए। पापा
ये आपको क्या हो गया पापा? बेटा, मैंने कहा था कि मत जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। रमेश का अंतिम संस्कार किया गया। गुड्डी अनाथ हो गई। मदनलाल ने उसे गोद में बिठाकर कहा, तो चिंता मत कर बेटी, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गुड्डी अपने दादाजी के गले लग गई। मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर रमेश जब यमलोक में गया तब यमराज उसे देखकर चौंक गए और यमदूत से कहा, ये क्या, ये तुम किसे उठा लाए हो? मैंने तो इसके पिता मदनलाल को यहाँ लाने के लिए बोला था। गलती हो गई, माफ कीजिए यमराज। गलती? अब इस गलती की भरपाई कौन करेगा? इसे वापस छोड़कर आ जाऊं क्या? ये क्या, कोई मजाक चल रहा है? इसे भेजना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से। ये बोलकर यमराज ने रमेश को एक नवजात बच्चा बना दिया और धरती पर भेज दिया। रमेश एक नवजात बच्चे के रूप में एक डस्टबिन में पड़ा रहा। उस तरफ मदनलाल का बुखार बढ़ता ही गया, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, अभी वही गुड्डी का सहारा है। उसके बाद वाले दिन गुड्डी जब कहीं जा रही थी तब उसे एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि डस्टबिन में एक बच्चा पड़ा हुआ है। गुड्डी को दया आई और वो उसे उठाकर घर ले गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पापा बच्चे के रूप में धरती पर आए हैं। दादाजी देखिए, मैं इसे ले आई हूँ, बेचारे को कोई डस्टबिन में फेंक कर आया था। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, बेचारे को ठंड में तकलीफ हो रही होगी। ये बोलकर मदनलाल ने अपना चद्दर खोलकर बच्चे को दे दिया। ऊपर से यमराज ने ये देखकर कहा, इसी के लिए भेजा था उसे, अब मदनलाल को और ठंड लगेगी और मैं खुद जाकर उसे ले आऊंगा। यमराज क्षमा कीजिए, लेकिन इस वक्त पूरे परिवार को मदनलाल की जरूरत है, क्या हम अभी थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? नहीं चित्रगुप्त, जिसका जब समय आएगा वो तभी यमलोक आएगा, यही इस संसार का नियम है। यमराज सही थे, लेकिन प्यार का बंधन जन्म और मृत्यु से भी बढ़कर होता है, ये भी सच है। दो दिन बीत गए, मदनलाल का बुखार और ज्यादा बढ़ गया और एक रात वो दर्द के मारे तड़पने लगा। आ, आ, बहुत दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। गुड्डी उनके हाथ पैर सहलाने लगी। अभी ठीक हो जाएगा दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। उन लोगों के पास अब एक पैसा भी नहीं है। हालत खराब देखकर गुड्डी उस बच्चे को गोद में लेकर डॉक्टर के पास गई और रोते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, एक बार चलिए ना मेरे साथ, मेरे दादाजी बहुत बीमार है। लेकिन डॉक्टर ने उसे भगा दिया। जा, भाग यहाँ से, पैसे वैसे तो है नहीं, फालतू में समय बर्बाद कर रही है मेरा, भाग। डॉक्टर ने गुड्डी को भगा दिया। गुड्डी बाहर आकर रोती रही और रोते हुए दवाइयों की दुकानों में भी गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो रोते हुए घर लौटी। इतने में मदनलाल की हालत बहुत खराब हो गई थी। गुड्डी मदनलाल का हाथ पकड़कर बैठ गई। दादाजी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रो मत बेटी, करना तो मुझे तेरे लिए चाहिए था, लेकिन मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है, मैं क्या करूं। उसी वक्त यमराज वहां पहुंच गए। मदनलाल, चल मेरे साथ, तेरा समय आ गया है। यमराज को देखकर मदनलाल की आंखों से आंसू टपकने लगे। गुड्डी ने यमराज से विनती की, यमराज जी, आप मेरे दादाजी को मत ले जाइए, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन यमराज किसी की बात थोड़ी सुनते हैं, वो तो सिर्फ नियम का पालन करते हैं। यमराज ने कहा, तुम्हारे दादाजी को जाना ही पड़ेगा, यही नियम है। घटिया नियम है, मैं नहीं मानती, मैं अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर गुड्डी ने मदनलाल का हाथ कसकर पकड़ लिया। यमराज ने उसे हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुड्डी नहीं हटी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मदनलाल को लेकर ही जाऊंगा। यमराज ने मदनलाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर यमलोक की ओर चल दिए। लेकिन प्यार के बंधन के बारे में तो हम सबको पता है। गुड्डी ने अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ा, वो भी अपने दादाजी के साथ चल दी। मूर्ख बच्ची, अपने दादाजी का हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने पापा अपनी माँ को नहीं बचा पाई, लेकिन मैं अपने दादाजी को बचा कर ही रहूंगी। बेटी, तू लौट जा बेटी, यही विधि का विधान है, ये हम सबको मानना पड़ेगा।
लेकिन गुड्डी ने जिद पकड़ी रखी। उसे यकीन था कि उसकी जिद और प्यार के सामने विधि का विधान भी झुक जाएगा। उस तरफ वो बच्चा घर पर ही सोया रहा और ये दोनों यमलोक में पहुँच गए। ये क्या प्रभु, ये छोटी सी बच्ची क्यों आई है यहाँ? उसका तो अभी तक समय ही नहीं आया। ये लड़की बड़ी जिद्दी है, ये खुद यहाँ आई है। मैं यहाँ अपने दादाजी को वापस लेने के लिए आई हूँ। लेकिन जो एक बार यमलोक आ जाते हैं वो और कभी नहीं लौटते। तो फिर मुझे भी यहाँ अपने दादाजी के पास रख लीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हें अभी जिंदा रहना होगा, तुम्हारा समय अभी तक नहीं आया है, तुम्हें लौटना होगा। गुड्डी ने यमराज के पैर पकड़ लिए। यमराज, अब तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या आप मेरे दादाजी को लौटा नहीं सकते? आप चाहे तो ये कर सकते हैं यमराज। लेकिन मैं करूँगा क्यों, यही तो नियम है। क्या प्यार के लिए नियम नहीं बदला जा सकता? नहीं। तभी चित्रगुप्त ने कहा, जा सकता है प्रभु, अगर किसी ने मदन लाल के लिए अपनी जान कुर्बान की तो ये संभव है। हाँ, मैं दूंगी जान, मेरे दादाजी को बस जिंदा रखना। ये सुनकर मदन लाल भावुक हो गया और बोला, नहीं बेटी, तू अभी छोटी है, तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, तू जा, वापस जा। नहीं दादाजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ देर इसी तरह बीत गई। यमराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस 5 साल की बच्ची को देखकर उनके मन में तो दया आ रही थी, लेकिन वो भी नियम की रस्सी से बंधे हुए थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हो गया। वो छोटा सा बच्चा जो असल में रमेश का पुनर्जन्म है, वो मदनलाल के कमरे में खेल रहा था और तभी अचानक वो खुद बिस्तर के किनारे पर आया और वहां से गिर गया। उसके सिर में चोट लग गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। वो यमलोक में पहुंच गया और फिर से रमेश बन गया। ये क्या, मैंने तो तुम्हें अभी भेजा था धरती पर, फिर वापस क्यों आ गए? मुझे नहीं जीना ऐसे, अपने पिताजी, अपनी बेटी के बिना मैं जी के क्या करूँगा? आप मेरी उम्र मेरे पिताजी को दे दीजिए। गुड्डी को समझ में आ गया कि वो जिसे बच्चा समझकर लाई थी वो असल में उसके पिता थे। रमेश ने उसकी उम्र मदनलाल को दे दी और मदनलाल फिर से जिंदा हो गया। मदनलाल अपनी पोती के साथ घर पहुंच गया और रमेश की उम्र मिलने के कारण मदनलाल का पैर भी ठीक हो गया और इसी तरह अंत में प्यार की जीत हुई। एक पोती का प्यार, एक बेटे का प्यार नियम से आगे निकल गया।